हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं अच्छा हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे हुरिया आयास के नाम के लड्डू की वीडियो बनाए थे ना, तो वीडियो देख के हमारे जान पहचान वाले लड्डू का ऑर्डर दिए हुए हैं। तो अभी हम लड्डू का वीडियो बनाएंगे, कैसे बनता है क्या है। उतनी बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, छोटी सी रहेगी, बस एंजॉय करिए। मैं हूँ आयास, आप देख रहे हो हुरिया आयास। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये शक्कर का शीरा है, इसके अंदर इलायची और जायफल का पाउडर डालें। अभी इसके अंदर फूड कलर डालें, जाफरानी कलर। ये चने के आटे को पिसा के ला के बूंदी बना रहे हैं। इस बूंदी को शक्कर के शीरे में डालते हैं, सारा आटा पूरा ऐसे ही करते हैं। फिर बूंदी को बीच में पलटाते रहते हैं, उसमें भीगने के लिए अच्छे से भीग करके अच्छा सा वो चूस है शक्कर को, शीरे को। लास्ट में फाइनली ऐसा भगोना भर के हुआ। अब इसके अंदर जाएगा काली किशमिश और देसी घी। ये देखिए, रेड बूंदी और ये ग्रीन बूंदी, ये किशमिश, ये काजू, ये देखिए, ये मक्समिलन के बीन्स और बादाम, बादाम मक्समिलन के सीड्स और काजू किशमिश, ब्लैक किशमिश, देसी घी, ये सब जाएंगे अब इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर ग्रीन बूंदी डालेंगे। दोस्तों, बूंदी एक भगोने में मिलाना नहीं आता, उनके दोनों में डालें, दो भगोनों में करें। अब देखिए, रेड वाली बूंदी भी डालें इसके अंदर, दोनों में बराबर। अब बादाम डालेंगे, दोनों भगोनों में बराबर क्वांटिटी में बादाम डालेंगे। बादाम के बाद देखिए आप लोग, सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे एक के बाद एक। अब ये है मस्कमेलन के सीड्स, ये वाले भगोने में भी मक्समेलन के सीड्स अच्छे से डालेंगे। अभी ये देखिए किशमिश, सारा किशमिश दो भगोनों में डिवाइड हो गया है। और ये है काजू, काजू भी सारा डाल दिए। अब ये ब्लैक किशमिश, देखिए दोस्तों ऐसे होता है काम। ये देखिए दोस्तों, ये है देसी घी, देसी घी दोनों में बराबर क्वांटिटी में डालने के बाद थोड़े काजू और थोड़े बादाम में बचाया था वो वाले भी ऊपर से डाल देंगे। उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद लड्डू बनाएंगे दोस्तों। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है इसके अंदर। जो ऑर्डर दिए हैं उन्होंने कॉल करके बताया कि वो तो बस में होंगे, तो और थोड़े होना है और 10 kg होना है, तो फिर से काम चालू करें 10 kg के लिए। ये देखिए, फिर से सेम प्रोसेस, शीरा बनाए, बूंदी बना के शीरे में डुबाए और बाद में से फिर दोनों को मिक्स करने के लिए एक पॉलीथिन बिछा करके, पॉलीथिन में पहले बने सो और बाद में बने सो दो डाल के, फिर ड्राई फ्रूट्स डाल के मिक्स करें। मिक्स करने के बाद फिर से 300 ग्राम के दो लड्डू बनाए फ्रेंड्स। एक लड्डू 150 ग्राम के, ये हमारे पापा है जो लड्डू को मत रहे लड्डू बना रहे। तो दोस्तों, आप लोग भी कोई अगर लड्डू का ऑर्डर देना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा आप लोगों को। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बेल आइकन रहता उसको दबा करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक के पहुंच सके।